Hello everyone, welcome in VB.NET class. In this video we are going to discuss about what is a function and what is a recursive function in VB.NET. Function और recursive function दोनों को हम factorial calculate करने के program के through देखेंगे. सबसे पहले हम जाने कि Visual Basic और Visual Basic .NET में function कैसे create किया जाता है. Function के लिए एक keyword use करते हैं, that is function. फंक्शन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम जो भी हम देना चाहे वो रहता है, फिर पैरेंथेसिस के अंतर्गत वो फंक्शन क्या आर्गुमेंट ले रहा है अकॉर्डिंगली, क्योंकि फंक्शन कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस दो टाइप का होता है. अगर बाय वैल्यू मेथड से कॉल बाय वैल्यू मेथड से फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में हम एक कीवर्ड यूज करेंगे बाय वैल. बाय वैल के बाद एक वेरिएबल लेंगे, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, फिर उसका डेटा टाइप बताएंगे एज डेटा टाइप. जैसे फैक्टोरियल नाम का मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं तो फंक्शन कीवर्ड है, नाम फैक्टोरियल है फंक्शन का, बाय वैल इनपुट एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है क्योंकि इस फैक्टोरियल को एक इंटीजर वैल्यू मुझे पास करना है. हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है. तो पैरेंथेसिस के बाद एज कीवर्ड के बाद हम वो डेटा टाइप बताते हैं जिस टाइप का डेटा पर जो हमारा फंक्शन है रिटर्न करने वाला है. तो ये फैक्टोरियल फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए इसके बाद एज इंटीजर लिखा हुआ है. फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए जो हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं ये उसकी बॉडी है, ये उसका डेफिनेशन पार्ट है. इंड फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन हमारा क्लोज हो जाता है. तो सभी फंक्शन लगभग ऐसे ही होगा, फंक्शन कीवर्ड फंक्शन का नाम, बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस मेथड से आर्गुमेंट जो दे रहे हैं उसका रिटर्न टाइप इंड फंक्शन. अब अगर कोई फंक्शन अपनी डेफिनेशन ब्लॉक के अंदर अपनी बॉडी के अंदर खुद को ही फिर से अगर कॉल करता है तब हम उसी फंक्शन को बोल देते हैं रिकर्सिव फंक्शन. तो अभी इसके डेफिनेशन ब्लॉक में खुद को कॉल किया हुआ है इसलिए फैक्टोरियल फंक्शन हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया. और इस रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू हम बिना लूप चलाए, ये रिकर्सन एक तरीके से इटरेशन ही है, बार बार खुद को ही कॉल करता जाएगा और बिना लूप के हम लूप जैसा काम लेंगे और फैक्टोरियल इसमें कैलकुलेट करेंगे. इसके पहले की वीडियो में आपने देखा होगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर लूप लिया था. अभी हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए वो नंबर हम इसको पास करेंगे. सपोज हम 5 पास करते हैं तो इनपुट वेरिएबल में वो आएगा. अगर यहां कंडीशन है इफ इनपुट वेरिएबल में वैल्यू जो पास किए हैं वो 0 है या लॉजिकल आर ऑपरेटर है, आर इनपुट में जो पास किए हैं वो 1 है. अगर 0 या 1 पास करते हैं तो ये फंक्शन 1 रिटर्न करेगा. अदरवाइज जैसे हम 5 पास किए तो ये कंडीशन फेल होगा और एल्स पार्ट में आएगा. यहां इनपुट की वैल्यू अगर ये 5 दे रहे हैं तो पहले 5 होगा, 5 इंटू फिर से अपने आप को कॉल कर रहा है एक कम वैल्यू के लिए, दैट मीन्स 4 के लिए. तो नेक्स्ट टाइम में 4 यहां आया, देखा 0 या 1 नहीं है, फिर यहां आएगा, यहां इनपुट की जगह क्या आया है 4, 5 इंटू 4, फिर एक कम के लिए कॉल करेगा, 3 के लिए खुद को कॉल करेगा, 3 यहां आया, 3 यहां 0 या 1 नहीं है, एल्स पार्ट में आएगा, यहां इंटू इनपुट का 3, फिर एक कम के लिए कॉल करेगा 2 के लिए, 2 से वापस यहां 0 या 1 नहीं है, एल्स पार्ट में आएगा, इनपुट की जगह में रखाएगा 2, फिर एक कम 1 के लिए कॉल करेगा. जब यहां 1 के लिए कॉल करेगा तो 0 या 1 कंडीशन में आएगा और 1 रिटर्न करेगा तो यहां पे आएगा इनटू 1. अब 1 से लेकर के 5 तक सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उसकी वैल्यू और फंक्शन जो है रिटर्न कर देगा उस जगह पे जहां पे इसको कॉल किया गया है. तो इसको हम सिस्टम में देखते हैं एक कंट्रोल के साथ इस लॉजिक को लगा करके. पिछले वीडियो की तरह ही सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं जिसमें हम नंबर एंटर करेंगे जिसका कि फैक्टोरियल हमको कैलकुलेट करना है. दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में उसका फैक्टोरियल रिजल्ट हम देखेंगे. यहां पे लेबल 1 कंट्रोल है जिसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख दिया गया एंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में येलो कलर रख दिए हैं और थोड़ा सा बोल्ड कर दिए फॉन्ट में जाकर के. ये बटन कंट्रोल है बटन 1 जिसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने जाके चेंज कर दिया फैक्टोरियल वैल्यू बाय रिकर्शन. और 4 कलर प्रॉपर्टी में जा करके बटन के वहां पे ब्लू सेट कर दिया है इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए. तो इसकी हम कोडिंग देखें.
फॉर्म क्लास के अंदर बटन के ऊपर क्लास के अंदर मैंने फॉर्म क्लास के अंदर फंक्शन कीवर्ड से फैक्टोरियल नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया। जैसे मैंने आपको बोर्ड में बताया, इनपुट एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसमें वैल्यू ये होल्ड करेगा जो हम पास करेंगे इस फंक्शन को, और ये डेटा टाइप रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। इनपुट वैल्यू 0 या 1 होने पे 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज बड़ी वैल्यू होने पे ये खुद को कॉल करते जाएगा और जो वैल्यू आ रहा है उसके साथ वो इनटू करते जाएगा। फाइनल रिजल्ट ले करके जब वो आएगा तो ये कैलकुलेशन है हमारे बटन 1 के अंदर। हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में वो नंबर देंगे, जैसे हमने बोर्ड पे 5 का एग्जांपल दिया तो यहां 5 देंगे। नम वेरिएबल में आएगा तो वेरिएबल डिक्लेयर करके रखे हैं नम एज इंटीजर वेरिएबल। और सपोज हम टेक्स्ट बॉक्स में निगेटिव वैल्यू दे देते हैं 0 से छोटा, तो हमको मैसेज आना चाहिए कि हम गलत कर गए हैं, प्लीज प्रोवाइड पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले होगा अगर हम धोखे से टेक्स्ट बॉक्स में निगेटिव नंबर देते हैं। अदरवाइज एल्स पार्ट में आएगा अगर हम पॉजिटिव दे के रखें नम वेरिएबल में वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, और रिजल्ट होल्ड करने के लिए रिजल्ट एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और यहां पे फंक्शन हमारा कॉल हुआ है। अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज सीखा हुआ है तो हम जानते हैं कि फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन ब्लॉक होता है, जैसे डेफिनेशन ब्लॉक है और डिक्लेरेशन ब्लॉक है, और यहां कहीं पे एक फंक्शन कॉल होता है। तो यहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है, हमने लिख दिया फैक्टोरियल, और जब कॉल किए तो नम वेरिएबल में की वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू दी है जिसका कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल हम पास करेंगे। जैसे ही फैक्टोरियल फंक्शन पे हम वैल्यू पास करेंगे कंट्रोल चला जाएगा उसके डेफिनेशन ब्लॉक में। सपोज टेक्स्ट बॉक्स से हमने 5 दिया तो 5 यहां फैक्टोरियल को पास हुआ, वो 5 यहां इनपुट वेरिएबल को आएगा जो इसके अंदर हमने दिया, और वो 5 चूंकि 0 और 1 नहीं है इनपुट में यहां आएगा 5 इनटू फिर से खुद को कॉल करेगा 5-1 4 के लिए। 4 के लिए तो फिर से एल्स पार्ट में आएगा 5 इंटू 4 इंटू फिर से वो 3 के लिए कॉल होगा। जैसे मैं बोर्ड में समझा रहा था बार बार ये अपने आप को कॉल करते जाएगा, अंत में 5 से लेकर के 1 तक का इंटू रिजल्ट लेकर के यहां पे आएगा और यहां पे उसकी वैल्यू 120 जो आएगी रिजल्ट वेरिएबल को चला जाएगा, और रिजल्ट वेरिएबल को हम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में एज ए टेक्स्ट असाइन कर देंगे जो हमें दिखाई देगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। हमने 5 को लेकर समझाया, सबसे पहले वही दें रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू भी उसकी वैल्यू फैक्टोरियल की जितनी होनी चाहिए उतनी ही आई है। कोई और नंबर हम पास करते हैं, अगर हम 6 देते हैं तो 720 जो कि फैक्टोरियल होता है, अगर हम 3 देते हैं तो 6, अगर हम 1 देते हैं तो ये रिटर्न 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, अगर हम 0 देते हैं तो भी 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और सपोज मैं देता हूं -5 तो ये मैं गलत वैल्यू दे रहा हूं तो मुझे एक मैसेज आना चाहिए, ये आ गया प्लीज प्रोवाइड पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो इस प्रोग्राम से आप जानेंगे कि vb.net में फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया जाता है और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। जो फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर खुद को ही कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, और सबसे इजीएस्ट सबसे सरल एग्जांपल होता है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। तो थ्योरी पेपर में भी आपको ऐसा आता है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम लिखिए या रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है समझाइए, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।